नमस्कार दोस्तों, फूड विस्टा चैनल पर आप सभी स्वागत है। तो दोस्तों, हम आई हूँ अपने खेत में, तो आप लोग देख सकते हैं, तो भिंडी बोए हैं, तो ये भिंडी के पौधे हैं। तो आज हम बनाऊंगी भिंडी का कुरकुरेदार पकौड़ा, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो कितना अच्छा भिंडी हमारा फरा हुआ है, तो अभी छोटा है, तो जो बड़ा है तो हम तोड़ लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा भिंडी फरा हुआ है, तो पीला पीला फूल कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा, तो काफ़ी फूल लिया है, फल लिया है, देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पीला फूल कितना अच्छा लग रहा है, कितना हमारा फल लिया हुआ है, तो देखिए। तो ज़रूरत भर हम खेत से ताज़ी भिंडी ले लेती हूँ। तो ताज़ी भिंडी हम खेत से ज़रूरत भर लिया है, चलते हैं घर जहाँ बनाऊंगी रेसिपी। तो दोस्तों, हम पहुँच गए रसोई के पास, तो हमारा वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हम बनाना स्टार्ट करती हैं। तो हम लिए हैं चना का बेसन, सूजी, तो हम मिला देती हैं। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। तो सभी मसाले के हम अच्छे से मिला लेती हूँ। तो काली मिर्च डाल देती हूँ, काली मिर्च डालने से स्वाद अच्छे से बढ़ जाती है। तो सारे सामग्री के हम अच्छे से मिला लिए हैं। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से घोल बना लेती हूँ। तो थोड़ा पानी और डाल देती हूँ। तो हम अच्छे से घोल बना लिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो हम थोड़ा देर के लिए ढक के रख देती हूँ ताकि हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो जाए। तो दोस्तों, भिंडी के हम 10 मिनट पहले धो के अच्छे से सुखवा लिए हैं, तो अब हम कट कर लेती हूँ। तो यही तरीके से काटेंगे, तो चार भाग में कर लेती हूँ, इसको बीज नहीं निकालूँगी। तो बहुत अच्छा कुरकुरे हमारी भिंडी का बनेगा। तो ज़्यादा छोटा नहीं काटे हैं दोस्तों, तो मीडियम में काट लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आज हमारा भिंडी को कुरकुरे बहुत अच्छा बनेगा। तो बारिश के मौसम में चटपटे खाने का मन बहुत करता है दोस्तों, तो इसलिए हम भिंडी का कुरकुरे बना रही हूँ। तो भिंडी का कुरकुरे बहुत अच्छा बनेगा, चटपटेदार। चला लिए हैं, चूल्हे पर रख देती हूँ कढ़ाई। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम सरसों का तेल डाल देती हूँ। तो सरसों के तेल में पकौड़ी कुरकुरेदार बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो हम चलते हैं, इसको छान लेती हूँ। तो एक एक करके छानूंगी। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम कुरकुरे भिंडी के डाल देती हूँ। Thank you.
तो आप लोग देख सकते हैं हमारे भिंडी के कुरकुरी कितना अच्छा बन रहा है, खिला खुला हो रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो हम धीमा आँच में अच्छे से पका लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं भिंडी का कुरकुरे हमारा कितना अच्छा लग रहा है, खिला खिला। तो ब्राउन कलर का हो चुका है, अब हम निकाल देती हूँ खाली। तो एक एक करके डाल देती हूँ। तो पलट देती हूँ हम दूसरे तरफ। तो धीमी आँच में अच्छे से पका लेती हूँ दोस्तों। तो हमारा भिंडी का कुरकुरे बहुत अच्छा बनेगा, तो एक बार घर पर जरूर बनाएं। तो बारिश के मौसम में चटपटे खाने का मन करता है दोस्तों, तो भिंडी का कुरकुरे बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए हम भिंडी का कुरकुरे बना रहे हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है, तो हम निकाल देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा कुरकुरे बना हुआ है। तो अच्छे से हम तेल के निचोड़ लेती हैं। तो साथ में हम मिर्च के फ्राई कर लिए हैं। तो भुने हैं जीरा और काला नमक का पाउडर बना लिए हैं। तो काला नमक डालने से स्वाद बढ़ जाता है दोस्तों, खाने में बहुत टेस्टी आता है, तो हम डाल देती हैं। भिंडी का कुरकुरे बनके तैयार हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।